बिहार में है, 3 दिवसीय दौरे पे है, आज तमाम राजनीतिक पार्टी आप लोगों से भी मुलाकात करेगी। क्या लगता है कि अब चुनाव आयोग भी अब तैयारी कर रहा है, मतलब तैयारी में आगे चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव आयोग समय पे तैयारी में तो लग ही जाती है, लेकिन मुझे लगता है बिहार में कोई विशेष बात है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा हो जाए, ताकि मेरी नैया पार लग जाए, इसलिए बिहार में विशेष बैठक हो रही है। लेकिन नीतीश जी को जनता सबक सिखाएगी, चूंकि जनता के वोटों का बार बार अपमान करना, समय से पूर्व बिहार में चुनाव कराना, उससे दो बातें होती है, एक बिहार के विकास को अवरुद्ध करना, दूसरा जनमत का तिरस्कार करना। जो जो लोग जनमत का तिरस्कार किया है, जनता हमेशा के लिए उसको तिरस्कार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मानते हैं कि जो आदमी आपके इंडिया गठबंधन का सूत्रधार था, वह प्रधानमंत्री के साथ में रहेंगे, मानते हैं कि इसको असर पड़ेगा और आप लोगों के लिए, लोग कहते हैं कि चूहेगा काफी इंडिया गठबंधन के लोग? एकदम नहीं, चूंकि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और भारत के संविधान बचाने को कह के आए थे, लेकिन बाद में उनके लोगों ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने आए थे। तो जो व्यक्ति अपने राज्य में सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ सकता, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? तो दो लोग हरे थके हारे आदमी हैं, भाजपा और जेडीयू, यानी कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं 400 पार, जो बिहार में 40 सीट जो पार्टी नहीं लड़ सकती है वो 400 पार कैसे होगी, और नीतीश कुमार जी 40 सीट अपने राज्य में नहीं लड़ सकते हैं, ये प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी को बार बार अस्थिर करता है, उस आदमी पर जनता भरोसा कैसे करिए? ऐसे व्यक्ति को धोखा से प्रधानमंत्री बन जाता है तो पूरे देश को बर्बाद करता है। दो बर्बादी एक जगह जुटे तो क्या हाल होगा, इसका अंदाज लगा लीजिए। तेजस्वी यादव आज यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या तैयारी है आप लोगों की, और तेजस्वी यादव की इस यात्रा से कितना दम मिलेगा, कितनी ताकत मिलेगी गठबंधन को, और इसका कितना असर होगा आपको, विपक्षी पार्टियों को? देखिए, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है बिहार में कि जनता नीतीश कुमार से आक्रोश में है, और नीतीश कुमार के कारण भाजपा से भी और आक्रोश में हो गया है। चूंकि नीतीश कुमार को 5 सालों के लिए जनता ने चुना था, और इस 5 साल में नीतीश कुमार 3 बार पलटी मार दी, इसमें जनता के वोट की क्या गलती है? इसलिए आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोग इस बात को देखे होइएगा कि नीतीश कुमार के वोटर और भाजपा के वोटर दोनों नीतीश कुमार पे आक्रोशित है, और जिसका रिस्पॉन्स फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। तेजस्वी जी आज से निकल रहे हैं, उनकी यात्रा को हम बधाई देते हैं, और पूरा बिहार के आवाम तेजस्वी यादव जी के स्वागत के लिए बैठा हुआ है। तेजस्वी के साथ आप लोग खड़े हैं, इस यात्रा में आप लोगों का सहयोग रहेगा? निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जी के जो यात्रा निकला है उसमें हम लोगों का सहयोग रहेगा। अब भी राहुल गांधी जी हमारे बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर पे निकले थे, किस प्रकार से आपने देखा होगा कि सासाराम से कैमूर तक तेजस्वी यादव जी गाड़ी चला रहे थे, राहुल जी बैठे थे, दोनों आदमी ने रोड शो किया, कार्यक्रम की। तो तेजस्वी यादव और हम लोग अभी दोनों का उद्देश्य एक ही है कि किस प्रकार से अनैतिक सरकार को हम प्राप्त करें।